रितेश देशमुख जी का ट्वीट मैंने देखा, उनका कहना है कि वो हादसे के अगले दिन गए थे, मैं स्वीकार करता हूँ उसके अगले दिन गए थे, लेकिन घिनौना उतना ही था कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ, क्योंकि उनके पिताजी एक चीफ मिनिस्टर हैं, एक जहाँ पे हाई सिक्योरिटी एरिया जहाँ किसको भी जाने को अलाउड नहीं था, हमारे भी मित्र थे वहाँ पे, हमें भी किसी को अलाउड नहीं था, लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर को लेके जाना वहाँ पे, उसके पीछे क्या मंशा थी वो तो 2013 में फिल्म बना के हमने देख ही ली, क्योंकि मुख्यमंत्री ने काम किया तो इसीलिए उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो इसमें तो उन्होंने ट्वीट किया और क्या साबित किया, यही साबित किया कि उन्होंने ये काम किया था और उसके लिए उनको रिजाइन करना पड़ा और देश की जनता ने माफ नहीं किया उसका। कि हम गए जरूर थे लेकिन वहाँ फिल्म कोई बात नहीं हुई। अरे भाई 2013 में वो फिल्म बनी है, उसी प्रोड्यूसर ने बनाई है, डर के मारे शायद इनको लड़के को रोल नहीं मिला होगा, लेकिन फिल्म बनी कि नहीं बनी, 2013 में बनी फिल्म, तो फिर जाने का और फिल्म प्रोड्यूसर को कौन लेके जाता है ऐसे में। हम राजनीतिक विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने को था और सही बात थी, ऐसे में कोई राजनीतिकरण नहीं होता है, ऐसे में तो सिर्फ सरकार की सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिटाइज करती है क्योंकि वाइटल क्लूज होते हैं ऐसे स्थान पे जहाँ टेररिस्ट ने अटैक किया है, फुटप्रिंट्स होते हैं, हैंडप्रिंट्स होते हैं, वो सब वाइटल क्लूज के ऊपर आगे कार्रवाई होती है, लेकिन अगर फिल्म प्रोड्यूसर घूमने लग जाए तो ये क्लूज सब खराब हो सकते हैं, हैंडप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, जो सुराख जिसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी थी वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भाषा सिर्फ अच्छी इस्तेमाल करके लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन दिखा के कोई असलियत नहीं छुप जाती है। वो तो क्यों पब्लिक के दबाव में उन्होंने रोल नहीं किया, लेकिन आखिर वहाँ जाने का हेतु क्या था, चीफ मिनिस्टर आखिर क्यों लेके गया उस प्रोड्यूसर को, ऐसे में तो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जाते हैं, और मैं समझता हूँ ये पत्रकार बंधु सब समझते हैं और देश की जनता तो भली बात ही समझती है कि ऐसे वक्त पे शोक का वक्त होता है फिल्म प्रोड्यूसर को लेके जाके, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम खराब करने का समय नहीं होता।